प्रियंका किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे मूंगफली से बनने वाली बिल्कुल बाजार जैसी टेस्टी, जिसे हम घर में बना के तैयार करेंगे और आप इसे बनाकर महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लेंगे हम 1 कप मूँगफली और इसे हम सबसे पहले भिगोएंगे। तो ये मैंने 1 कप मूंगफली ले ली है और इसे पानी में डाल के 15 से 20 मिनट के लिए हम भिगोने के लिए छोड़ देंगे। और इसे हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, बस गीला करना है। और अब हम इसके लिए लेंगे 1 कप बेसन। तो हमने 1 कप मूंगफली ली थी, तो इसके लिए हमें 1 कप ही बेसन की ज़रूरत होगी। साथ ही डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच नमक और साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, जिससे अच्छा कलर आए। और दोनों चीज़ों को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। बेसन को मिक्स करके हम रख देंगे साइड में और जो मूंगफली हमने भिगो के रखी थी उसे एक छन्नी में निकाल देंगे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो बस हमारा पानी निकल चुका था मूंगफली का, अब हम इसे बेसन के अंदर डाल देंगे और बस चम्मच से हल्के हाथों से इसे चला देंगे। ऐसा करने से मूंगफली गीली है तो इस पर बेसन बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा और बढ़िया ये कोल्ड हो जाएंगी। आप देख रहे हैं मूंगफली हमारी कितने अच्छे से कोल्ड हो चुकी हैं। और चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। इस ऑयल को हम बिल्कुल मीडियम गर्म रखेंगे, बिल्कुल भी तेज़ गर्म हमें नहीं करना है वरना हमारी मूँगफलियाँ जल सकती हैं। तो ये देखिए हमने मूँगफली को अच्छे से कोट कर लिया है और अब हम लेंगे 1 कटोरी में पानी और इसे पानी के साथ डिप कर करके हम इसे डालेंगे। ऐसा करने से इसका जो बेसन है वो कढ़ाही में जाके निकलेगा नहीं, और आप इसे अगर डायरेक्ट ही इसमें डाल देंगे तो कढ़ाही में बेसन इसकी ऊपर की लेयर निकल जाएगी। तो ये देखिए, पर आप ये काम बड़े ही सावधानी के साथ करें क्योंकि इससे तेल आपके ऊपर भी आ सकता है। तो बड़ी आसानी से आप इसे डालते जाएं। और ये देखिए मैंने इतनी मूँगफलियाँ डाल दी हैं और इसे बस हल्के हाथों से चलाते हुए अलट पलट कर हम गोल्डन होने तक दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया कोटिंग आई है मूँगफली के ऊपर, जैसी बाज़ार में की मूँगफली में होती है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी की मूँगफलियों को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्राई हो चुकी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चलिए अब हम इसमें मिलाएंगे मसाले। तो मसाले में मिलाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच काला नमक। नमक हमने इसमें पहले भी डाला था तो हल्का सा ही डालेंगे। साथ ही डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, और इसी के साथ थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर यूज करेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और सारी चीज़ों को मिक्स करके हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए हमारी बिल्कुल बाजार जैसी टेस्टी मूँगफली बन के तैयार है। और आप देखेंगे ये कितनी क्रिस्पी, कुरकुरी, करारी बन के तैयार हुई है। और आप इसे रख के महीने भर तक रख कर इंजॉय कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और इसे आप नाश्ते के लिए, कहीं ले जाने के लिए बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।